बड़ी खुशी की बात है। आज ये जितनी भजनों का भव्य भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है ना बोलो ठीक है, बड़े ही सौभाग्य की बात है। हमारा ये पहले मेला टूटा हुआ था, फिर से इसे अवगत किया गया है। आइए श्रोताओं, चलते हैं चिकनी भजनों की तरफ। जैसा कि अभी अभी हमारे पंडित जी भूपेंद्र शर्मा जी ने गणेश वंदना की थी, हमारे प्रधान जी माला अर्पण कर रहे थे, अग्र अग्र ब्राह्मण, बहुत अच्छी बात थी। सबसे पहले नंबर तो हमारा ही था, लेकिन पंडित जी के मुखारविंद से ही गणेश वंदना की शुरुआत की। इसलिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आगंतुक महान भाव, दूर दराज से आए हुए सभी श्रोता बंधु, शांति का दान दे। एक निवेदन में जो मुझे सुझाव नीचे से आए हैं, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे जो गायक मंच पर गा रहे हैं, आप लोग सभी चढ़ के ऊपर स्टेज पर आते हैं, उसका एक विकल्प हमने निकाला है। यह बिल्कुल मंच पर ठीक सामने ये परात रखिए, ठीक है। जिस किसी को भी हमारे पारितोषिक देना है, उत्साह वर्धन करना है, सम्मान करना है हमारे किसी गायक का, वो कृपया नीचे से आए और इस परात में यहाँ डाले, ठीक है। इनका क्रम पूरा हो जाएगा, वो अपनी पारितोषिक राशि ले लेंगे। सब लोगों के मंच में आने पर असुविधा होती है, इसलिए मेरा विशेष निवेदन है हाथ जोड़ के इसका नियम का पालन करें, और जिसको भी जो जो राशि आपको पारितोषिक देना है वो इस परात में यहाँ देना। धन्यवाद। वैसे तो कबैया अपने आप नीचे आके ले आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और नहीं, वो कोई बात नहीं है, हमारी थोड़ी व्यवस्था है। और इस कार्यक्रम में जो कुछ दानदाता जो सहयोग राशि दे रहे हैं, उनका नाम भी पीछे जब गायक का क्रम पूरा हो जाएगा तब घोषित किया जाएगा। पहले पायदान पर एक सहयोग राशि 1000 रुपए की इस कार्यक्रम के लिए हमें प्राप्त हुई है। क्या नाम? श्री रामवीर सिंह जी, पुत्र श्री सियाराम जी। रामवीर सिंह जी ने 1000 रुपए की राशि इस कार्यक्रम में सहयोग राशि के रूप में उन्होंने भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज भजना बाबा के दरबार में ये जिक्री भजनों का प्रोग्राम रखा गया है। वैसे तो हमारे पंडित जी ने साखी का नियम रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो चलता हूँ भजना बाबा के चरणों की तरफ। भजन तो वास्तव में ही साकी से शुरुआत की जाती है, लेकिन यहाँ पर भजना बाबा का स्थान है, इसलिए उनके चरणों की तरफ चलता हूँ। भैया
तरफ, जैसा कि आपका ये समाज जुड़ा हुआ है ना, इसी प्रकार से महाराज अंध का समाज जुड़ा हुआ था। महाराज अंध ने अपने पास में मंत्री संजय को बुलाया और कहा कि भैया संजय, आप धर्मराज के पास में जाइए और यह पूछ करके आइए कि आपने महाभारत में लड़ने के लिए कौन कौन से वीर तैयार किए हैं। आहा मेरे विद्वान श्रोताओ, इधर में कौन मंत्री संजय कहां पर पहुंचे, धर्मराज के सामने जाते ही प्रणाम किया, लेकिन गांडीधारी अर्जुन जवाब देते ही बताया है कि यह भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र भूप से, यह भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र भूप से कहना जाई प्रणाम मेरा, और दुर्योधन से कहना है कि वीर धनंजय जो अरमा है दिल के अंदर वो अंदर ही रह जाएंगे, और ये पांडव शस्त्र उठाएंगे कौरव ना बचने। आज उस दुराचारी से जाते ही मेरे दो शब्दों को कह देना। अब कौन गांडीधारी अर्जुन मंत्री संजय को समझाते हैं, भैया धर्मवीर जी क्या बता भैया, छुड़ाया
पैसे को बहुत बड़ा महत्व देता है, नजर इस पैसे के ऊपर क्या क्या कर्म करता है। भैया चलते हैं दो शब्दों में, मोहन मुरली
प्रकार से महाराज अंध व्याकुल होते हैं, घबराते हैं, लेकिन बताया है कि श्वेत अश्वत्थ पारथ के रथ में, श्वेत अश्वत्थ पारथ के रथ में दिव्य अस्त्र कर धारे हैं और पवन पुत्र को भार ध्वजा पे सारथ बंसी सो कुरपति पे सर होइन पारथ भीम सैन बल दहाई और अब रुक नहीं नाए। लेकिन समय बहुत कम है, गाने वाले बहुत हैं और फसल का भी काम बहुत ही जोरदारी से चल रहा है, लेकिन चलते हैं गाने की तरफ, केवल 5 मिनट बाकी हैं। चलते हैं गाने की तरफ। आप जैसे विद्वानों ने बताया है कि परहित सर से धर्म नहीं भाई, कोई भी प्राणी सब खुले देते हैं, खुले ले गए कोई बात नहीं। बताया है कि परहित सर से धर्म नहीं भाई, चलते हैं। आज बताया है कवि ने कि कोई भी प्राणी परहित में अपने प्राणों की आहुति देता है, प्राणों की नौछावर कर देता है, भगवान स्वयं भी उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। लेकिन भैया चलते हैं गाने की तरफ। में है रही खूब लड़ाई है,
समय पर एक सर्प और एक बाघ में घमासान लड़ाई हो रही थी। होने वाली बात, आज जैसे ही सर्प बाघ को खाने के लिए दौड़ता है, सर्प ने जैसे ही प्रहार किया, आज बाघ ने अपने पंजे में दबा लिया, लेकिन प्रभु की गति, पंजे में से सर्प निकल गया। आज उसी ने, आज पंजे में से वो सर्प निकल जाता है, लेकिन मेरे विद्वान बताओ,